आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा। पहली गेंद पर छक्का के पत्तों की तरह मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आता है। Assalamu alaikum to all of you. This is me, your presenter Bina Khan, and you are watching 99 News Channel. 99 News Channel में एक बार फिर हम लेकर आए हैं आप लोगों का पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है स्पोर्ट्स विद 99. इस प्रोग्राम में डिफरेंट मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं और आज भी हमारे साथ एक बहुत ही मौजूद गेस्ट मौजूद हैं. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जनाब मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब की, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं. इनका सबसे पहला तारुफ तो ये है कि ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कमेंटेटर हैं रेडियो एंड टेलीविज़न पे. इसके अलावा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं. और क्या क्या करते हैं ये उनसे मिलकर ही उनसे जानेंगे. वेलकम करते हैं स्टूडियो में. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ. रियाज साहब आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं, मालिक का बड़ा एहसान. अगर तारुफ, क्योंकि माशाल्लाह आपका तो इतना सारा तारुफ है, इतना कुछ कर रहे हैं आप पाकिस्तान में, डिफरेंट इदारों में आप अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, तो अगर मैं कुछ भूली हूँ तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइए. नहीं, बस ज़ाहिर है लिखते लिखाते हैं और टी वी रेडियो पर ज़ाहिर है माशाल्लाह होती है. फिर उसके साथ साथ एक टीवी चैनल पे ज़ाहिर है स्पोर्ट्स का प्रोग्राम भी मैं करता हूँ. बिल्कुल माशाल्लाह, सारी मसूलियातें रोज़ सीखते हैं और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. ग्रेट हो गया. अच्छा जी, आज हम स्पेशली बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के दरमियान जो दो टेस्ट मैचेस की सीरीज़ थी और दोनों पिंडी में हुए. ठीक है, बारिश का बहुत ज़्यादा इम्कान था, लेकिन इस दफ़ा तो मैं कहना चाहूँगी कि, बल्कि इस दफ़ा नहीं, आजकल मैं कहना चाहूँगी कि कुदरत भी हमारी जो क्रिकेट टीम है उसका साथ नहीं दे रही, और मेरे ख्याल से सही कर रही है, क्योंकि अब पता चल रहा है कि कौन कितने पानी में है. ठीक है, पहले टेस्ट मैच की अगर मैं बात करूं, शान मसूद हमारे कैप्टन बहुत कुछ, बिल्कुल हम प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे रियाज साहब और मैं, कि सिर्फ कैप्टन पे बात नहीं करनी. अगर कोई भी टीम नाकाम होती है, कोई भी किसी भी कोई भी खेल हो, सिर्फ कैप्टन पे हम सारी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते. लेकिन शान मसूद का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ कि इसके ऊपर उसको पहले से पता था कि उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है. ठीक है ना, और इसके लिए बड़े बड़े दावे भी किए गए, सिर्फ शान मसूद ने नहीं किए, पूरी हमारी जो क्रिकेट की मैनेजमेंट है उन सब ने कहा जनाब लास्ट टाइम जो शिकस्त का सामना हमें रहा उसके बाद कहा गया कि अब तो बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग हो रही है और सफाई हो रही है और जो नहीं परफॉर्म करेगा उसको ग्राउंड से बाहर बिठा दिया जाएगा, और काफ़ी को बिठाया भी है. मैं नाम मेंशन नहीं करना चाह रही, कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो मुस्तकिल परफॉर्म नहीं कर रहे थे, जिनके नाम के साथ बड़े नाम भी जुड़े हुए थे, आप यकीनन समझ रहे होंगे, उनको बिठाया भी गया, लेकिन रिजल्ट हमेशा अगेन वही सिफर. क्यों? शान मसूद का पहले टेस्ट मैच में जो डिसीजन था डिक्लेयर कर देने का, जब मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छा खेल रहे थे और उस वक्त 6 खिलाड़ी आउट हुए थे, तो आपको क्या लगता है, हम बात यहीं से स्टार्ट करते हैं, कि आपको क्या शान मसूद का वो फैसला सही लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया दीना. देखें, जो आपका सवाल है स्पेसिफिक उस पर तो मैं आऊँगा, लेकिन एक शेर मैं यहाँ पे जरूर पढ़ूंगा. जी जरूर. कि वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता. वाह उंदा. तो देखें, ये जो सिलसिला है ये तो जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, या पाकिस्तान जब से वजूद में आया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है. देखें, जो भी इदारा होता है उसमें कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव फैसले होते रहते हैं. बिल्कुल. लेकिन देखना ये होता है कि पॉजिटिव फैसलों की तादाद कितनी है और उसके मस्बत असरात जो है कितने हमारी, मतलब जो हमारा टारगेट है, यानी हम आउटपुट कितना अच्छा दे रहे हैं. सही. तो जाहिर है उससे रिलेटेड होता है. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आज से चंद साल कबल सरफराज अहमद जो टीम की क्यादत बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से, और तीनों फॉर्मेट में उनकी टीम की परफॉर्मेंस, उनकी भी और उनकी टीम की मजमूई परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी. सही. और मैं ये समझता हूँ किसी भी टीम की ये परफॉर्मेंस जो थी एक काबिल कबूल और अच्छी परफॉर्मेंस थी. सही. लेकिन आप ये देखें कि पता नहीं वो कौन से अवामिल थे, कौन सी ऐसी बात थी कि सरफराज अहमद को बैक कलम जुम्बिश तीनों फॉर्मेट से फारिग कर दिया गया. तो जिस मुल्क में, मतलब वो कि हमारा मुल्क बड़ा प्यारा मुल्क है, मुल्क तो बड़ा प्यारा है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी आईसीसी के तहत जो
तीन बड़े इवेंट्स हैं, आप वर्ल्ड कप कह लें, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, टी20 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप, हमने तीन वर्ल्ड कप जीते हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर एक जूनियर वर्ल्ड कप भी जीता है। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि दो वर्ल्ड कप, एक जूनियर आईसीसी टी20 चैंपियंस ट्रॉफी हमने सरफराज अहमद की क्यादत में जीती। इसका मतलब ये कि आईसीसी के दो इवेंट जो हैं वो आपने सरफराज अहमद की क्यादत में जीते, उससे आपको उनकी एक्सपर्टीज का पता चल सकता है। लेकिन उस कप्तान को जिसकी क्यादत में टीम मुसलसल कामयाबी हासिल कर रही थी, अननोन रीज़न की बुनियाद पे या वजह से उनको हटा दिया गया। सही। अच्छा, ये सारी खराबी वहाँ से शुरू हुई है। ओके। अच्छा, एक और चीज़ है कि पाकिस्तान में हमने देखा कि दुनिया के क्रिकेट, अगर हम दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को देखें, मुवाजना करें, तो वहाँ ऐसा नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तवातुर के साथ PCB के चेयरमैन भी, तब्दीलियां बहुत जल्दी जल्दी, कोचेज भी होते हैं और कप्तान भी होते हैं। सही। तो ये उसका सारा रिफ्लेक्शन है। ये ऐसा नहीं है कि ये टीम ने एकदम परफॉर्मेंस खराब कर दी। आप हाल ही में जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ का वर्ल्ड कप था, उसमें आपकी परफॉर्मेंस अमेरिका के खिलाफ जो एक नई टीम थी, फिर इंडिया के खिलाफ इतनी ख़राब थी, जिसकी वजह से ज़ाहिर है आप जो आपका टारगेट था वो अचीव नहीं कर सके। अच्छा, अब आते हैं आपके स्पेसिफिक सवाल की तरफ। जो आपने ये बात की कि देखें, ये इसमें मतलब मिली जुली मतलब चीज़ें हैं। ओके। तो अगर तो मतलब एक ये भी था कि अगर वो जल्दी डिक्लेयर मतलब ना करते और थोड़ा सा और खेलते तो ये भी एक पहलू है कि ठीक है। मतलब ये कि उसमें ये था कि आपके पास चांस था कि आप एक दफ़े में 700-600 रन बना के और प्रेशर मतलब ये कि कायम कर देते अपोनेंट टीम पे, तो ये भी एक अच्छी चीज़ थी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू और भी था कि ये भी हो सकता, देखें पहले दिन का खेल तो ज़ाया हो गया था बारिश की वजह से। बिल्कुल। फिर अगर ये दूसरे टेस्ट मैच की बात करें ना, है दूसरे टेस्ट मैच की, लेकिन आपने पहले टेस्ट, जी मैंने पहले टेस्ट की जी, तो उसमें ये था कि देखें उस वक्त भी ये था कि बारिश हो सकती थी, इस बात के इम्कान थे। तो मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि ऐसा मतलब कि प्रोविज़न और मार्जिन को सामने रखते हुए उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि अगले दिन या उससे अगले दिन बारिश हो गई तो फिर ये चीज़ जो है हमारे गले पड़ सकती है। तो और फिर मतलब वक्त की कमी के बाइस जो हमारी मतलब इतने अच्छे रन बनाए वो काम नहीं आ सकते, तो ये भी मतलब एक चीज़ है। तो ये दोनों चीज़ें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो टीम है वो बहसियत टीम, एक टीम जो है यकजान होती हुई खेलती हुई नज़र नहीं आई। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि जहाँ हमारे बैटर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस की तो उनको मतलब बॉलर्स की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला, बॉलर ने उनको सही रिस्पॉन्ड नहीं किया, और जहां हमारे बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी वहां हमारे बैटर्स ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। एक तो ये चीज़ हो गई जो टेक्निकली और मतलब प्रोफेशनली आप जो नज़र आ रही है, नज़र आ रही है, लेकिन इसके पीछे जो पसे पर्दा अवामिल हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। वो ऐसे हैं कि लड़कों के दरमियान आपस में ग्रुपबंदी तो है, और बाद लड़के जो हमारे सीनियर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कि वो उनके आपस में मतलब ये ताल्लुकात न सिर्फ खराब हैं बल्कि उससे बात बहुत आगे बढ़ गई है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं, और कुछ के मुताबिक ये कहते हैं कि वो लड़के जो हैं अनफिट हैं, और जो इंटरनेशनल मेयार है होना चाहिए एक फिटनेस का वो हमारे खिलाड़ियों का नहीं है। आपने देखा कि हमारे मैं नाम ले सकता हूँ कि हारिस राउत को देखें, शाहीन शाह आफरीदी को देखें, नसीम को देखें, फिर आमिर जमाल को देखें, और भी बॉलर्स हैं हमारे जहाँ ये 6-7-8-10 ओवर करते हैं वहाँ फिटनेस मसाइल के मतलब घिर जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे मतलब ट्रेनर हैं, जो हमारे कोचेज हैं, मुझे नहीं लगता कि वो जो है जो जदीद क्रिकेट है उसके मुताबिक मतलब अपने प्लेयर्स को तैयार कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ये एक मतलब लैक है। फिर ये कि देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसको ये देखना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं वो क्यों ख़राब हो रही हैं। इसलिए पाकिस्तान जो क्रिकेट है, पाकिस्तान का पैशन है, और दुनिया भर में क्रिकेट जिस तरह से मतलब फ्लोरिश कर रही है, बिल्कुल, और जिस तरह से टीमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रही हैं, पैट कमिंस जैसा कप्तान हमारे सामने, रोहित शर्मा जैसा कप्तान हमारे सामने, और भी कप्तान हैं, तो हमारे कप्तानों को उनसे सीखना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि देखें जितने भी ये डिसीजंस की बात थी ना आपने कि इनिंग जो है डिक्लेयर कर दी नहीं कर दी, तो ये तो एक यूनानिमस फैसला होता है, और मतलब वो तय होता है कि जी कहाँ कहाँ हमें रन बनेंगे तो हम डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन जाहिर है एक्ट जो है वो कप्तान करता है, वैसे कप्तान ग्राउंड के अंदर। लेकिन ये जरूर है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं
ग्राउंड के अंदर जो वेरिएशन होती है उसमें मतलब कप्तान का बड़ा किरदार होता है कि वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो डिक्लेरेशन वाला फैसला है वो उनका इंडिविजुअल फैसला नहीं था ना होता है, बल्कि ये बाकायदा इसमें कोचेज और टीम ऑफिसर शामिल होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वो सही करने जा रहे हैं, हमें उनकी नेक नियति पे शुबा नहीं है, लेकिन वो चीज़ गलत हो गई। अच्छा, आपने अभी कहा मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी, कैप्टनसी की जंग ये शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं देखिए, कुछ कहते ना कि राई का पहाड़। बिल्कुल, यहाँ पे मैं राई का पहाड़ नहीं बना रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहाड़ मौजूद है। देखिए, एक मैं अगर कहती हूँ तो आप कह सकते हैं कि नहीं आपका ख्याल होगा, फिर अगर सिर्फ आप कहते हैं नहीं आपका ख्याल होगा, लेकिन जब मेजॉरिटी को लग रहा हो टीम की परफॉर्मेंस देख के, और जब वो सब एक साथ ग्राउंड में होते हैं उस वक्त उनका जो बिहेवियर है एक दूसरे के साथ वो देख कर, हमें इतने सारे लोगों को कैसे ये चीज़ मैसेज मिल रहा है कि हम एक नहीं है, उनकी बॉडी लैंग्वेज कह रही है कि हम एक नहीं है। कैप्टनसी की जंग दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। मुझे तो आपने जो ढके छुपे लफ्ज़ों में कहा था, मैं तो खुला बोलूँगी कि मुझे यही लग रहा है। देखिए, बाबर आजम की परफॉर्मेंस दोनों टेस्ट मैचेस में कोई ऐसी काबिल तारीफ कारकर्दगी, कोई मतलब उनकी कारकर्दगी काबिल तारीफ थी ही नहीं कि उनकी तारीफ की जाए। देखें, जब मतलब ऊपर लेवल पे थोड़ी सी कमज़ोरी होती है ना, या बड़े लोग जो हैं वो एकोमोडेट और फैसिलिटेट करने की जाने में उनका रुझान होता है, तो फिर यही होता है। आपने ये सुना होगा कि जब हम वर्ल्ड कप में हार गए थे हाल ही में, तो जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये कहा था कि सर्जरी होगी। बिल्कुल, इट मीन्स क्योंकि वो वहाँ खुद मौजूद थे, तो उन्होंने सारी चीज़ें अपनी आँखों से देखी थी। और फिर एक इतनी बड़ी शख्सियत अगर ये बात करती है तो इसका मतलब है कि वो होनी चाहिए थी। तो कहने का मतलब यह है कि जो डिसीजंस आपको इस सीरीज से पहले लेने चाहिए थे वो आपने इस लालच में नहीं लिए कि कहीं हम सीरीज ना हार जाएं या नए लड़कों को खिला के, आपने उन्हें चेंज नहीं किया। लेकिन आप हार तो वैसे भी गए, तो इसका मतलब यह है कि आपको कैटेगोरिकली एक कड़वी गोली पीनी होगी। बिल्कुल, और वो खानी होगी, इसलिए कि जब तक आप कोई मतलब इस तरह के फैसले नहीं लेंगे और इस तरह से खिलाड़ियों को बैठा देना या मतलब यूं मतलब करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। बल्कि अगर किसी ने कहीं जो भी प्लेयर शामिल है उन्होंने गलती की, उसको बाकायदा आप पब्लिक में लेके आएँ कि इनकी ये गलती थी, उनको बाकायदा सज़ा दें ताकि एक मिसाल कायम हो और आगे की जानेब आप बेहतर अंदाज से बढ़ सकें। और आप जूनियर को मतलब जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इमर्जिंग ले रहे हैं, अगर आप उनको मौके देंगे तो एक तो उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने आ जाएगी, दूसरी ये कि जो जिन खिलाड़ियों को बैठाएंगे आप तो उनको भी एक उनके सामने भी एग्जांपल होगी, फिर आपकी टीम के लड़के जो हैं वो भी इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। यहाँ मैं एक बात और कहूँगा कि जो दूसरा टेस्ट हमारे, वैसे तो देखें हम जो है 17वां वाइट वॉश, बिल्कुल, और वो भी बांग्लादेश के खिलाफ, और बाकी ये कि दो वाइड बॉल जो हैं पाकिस्तान में हो चुके हैं, इससे कब जो इंग्लैंड की टीम आई थी तो उसने भी 3-0 से जीरो से हमें हराया था, वहाँ वाइड बॉल हुआ था। तो मतलब हमारी जो वाइड बॉल की दास्तान बड़ी पुरानी है जी, होम ग्राउंड पे, तो मतलब और इससे कब जो है दो मतलब हम न्यूट्रल वेन्यू उस पर भी मतलब ये सीरीज दो मरतबा हार चुके हैं, तो ये बड़ी तवज्जो तलब बात है। मैं इसे भी ये कहूँगा जो दूसरे टेस्ट में 26 रन पे जब आपके 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे और वो फिर टीम जो है बांग्लादेश की वो मैच जीत के निकल गई, खैर हम यहाँ बांग्लादेश की टीम की परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, हमको मुबारकबाद देते हैं, यकीनन उनको जीतना चाहिए था, मेरिट पे वो खेले, अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी, तो वहाँ पर हमें अटैकिंग फील्ड लेनी चाहिए थी या हमारे उन बॉलर्स को जिन्होंने उस वक्त विकटें ली थी उनको कंटिन्यू करना चाहिए था। और जब आप अबरार को लेके आए थे तो वहाँ पे आपको अटैकिंग फील्ड मतलब फील्ड प्लेस जो है प्लेसिंग जो है सही करनी चाहिए, जंग का माहौल होना चाहिए था ना। बिल्कुल, मतलब लेकिन हम अक्सर बात करते हैं जो हमारे पुराने कप्तान थे या मियादाद की हम बात करते हैं, तो जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती थी या ऐसी मतलब हमें मौके मिलते थे तो वो मतलब सारे फील्डर को करीब कर लेते थे, और बाद ऐसा भी होता था कि जब विकेटें नहीं मिलती थी तो विकेट कीपर्स को इसके पैड खुद बांधते थे और विकेट कीपर से बॉल करवाते थे। तो जब तक आप वेरिएशन नहीं लेके आएंगे तो उस वक्त तक जाहिर है आप अपोनेंट टीम पे वो मतलब जो आपका टारगेट है उसको आप अचीव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारी चीज़ें, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के
बहुत सारे अच्छे इकदाम हैं, जिस तरह से अब वो सीज़न जो है 24-25 का शुरू हो रहा है और उसमें मतलब तीन मतलब टूर्नामेंट और ऐड कर दिए हैं, 8 टूर्नामेंट हो गए हैं, 261 खिलाड़ी उसमें शिरकत करेंगे, तो ये अच्छे इकदाम हैं। लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है जिस तरह से टीम को अब बनाना चाहिए था और मौका हमें मिला था अमेरिका वाले वर्ल्ड कप के बाद, बिल्कुल बिल्कुल, अफगानिस्तान ने मारा, अमेरिका ने मारा और अभी बांग्लादेश अपने होम ग्राउंड पे जो सिचुएशन थी ये बहुत शर्मनाक है, तो वो हम काम नहीं कर सकते, उस पर हमें काम करना चाहिए। लेकिन अब काफ़ी देर हो गई है, जाहिर है इतनी बड़ी शिकस्त से हम किनार हो गए। बिल्कुल रियाज साहब, आपसे एक आखिरी सवाल, परफॉर्मेंस तो देखें टीम में मेजॉरिटी की अच्छी नहीं रही, ठीक है, अगर मैं बात करूं शाहीन शाह आफरीदी जिनके लिए जिन फास्ट बॉलर्स के लिए पहले टेस्ट मैच में स्पेशली कहा गया कि घास रखेंगे पिच पे और फास्ट बॉलर्स को बहुत हेल्प करेगी और इसी वजह से जो प्रॉपर स्पिनर पहले टेस्ट मैच में नहीं खिलाया गया, लेकिन डिसीजन बहुत सारे गलत थे, हार ऐसे ही नहीं हो जाती, इसके पीछे बड़ी कहानियाँ होती हैं, ठीक है ना, एक तो टीम का एक ना होना, गलत फैसले लेना, सही वक्त पर सही फैसला ना लेना, मेरे ख्याल से पहले टेस्ट मैच में जो इब्रार अहमद को बाहर बिठाया था और नहीं खिलाया था वो फैसला भी मेरे ख्याल से गलत था, ठीक है, और अभी फिटनेस पे आपने खुद ही कहा कि शाहीन शाह आफरीदी फिट नहीं थे, कहना नहीं और भी नहीं थे, लेकिन अभी आपने जब फिटनेस पे बात हो रही तो आपने एक नाम शाहीन शाह आफरीदी का भी लिया था। अच्छा, परफॉर्मेंस कहना मैं ये चाह रही हूँ, परफॉर्मेंस तो हम बॉलिंग साइड पे देखें या बैटिंग साइड पे देखें, मेजॉरिटी लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, 6 विकटें ली पुरम ने लेकिन वो भी हमारे काम ना आई, ठीक है ना, और लेकिन स्पेशली मैं बाबर पे इसलिए बात कर रही हूँ कि वो हमारे कैप्टन रह चुके हैं और उनका पूरी दुनिया में एक नाम है, उनके चाहने वाले हम भी उनके चाहने वालों में से एक हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि बाबर आजम को अब रेस्ट देना चाहिए? देखें, दुनिया भर की जितनी भी टीमें हमने देखी हैं उनके बड़े बड़े प्लेयर्स को उनके जो ऑफिशल्स हैं या कोचेज हैं उनकी पॉलिसी होती है कि उनको मतलब ऑफ एंड ऑन रेस्ट देते हैं, मतलब वहाँ एक ऐसा तरीका कार है कि वो फिर उसमें बुरा भी नहीं लगता कि जी आप बड़े किसी प्लेयर को, सही बात है, सिस्टम है ना, सिस्टम है बिल्कुल, तो लेकिन हमारे यहाँ जो है ये इस चीज़ को बहुत ही अचंभे की बात समझी जाती है और इतनी मतलब जरूरत नहीं होती ऑफिशल्स में भी कि वो किसी सीनियर खिलाड़ी को बिठा सकें, बिल्कुल, वजह यह है कि हमारे यहाँ प्लेयर पावर जो है वो डोमिनेट कर रही है, कर रही है कुछ इस तरह से, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो शुरू से ही है ऐसा कि मतलब ये सिलसिला चलता चला रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए बाबर आजम नो डाउट बहुत बड़े प्लेयर हैं और उनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही है, उन्होंने बड़े बड़े मतलब रिकॉर्ड भी बनाए हैं, हाँ, लेकिन अब आप देखें कि वो मुसलसल जो है उनकी परफॉर्मेंस जो है डिक्लाइन की तरफ जा रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि यकीनन उन पे शायद ये कोई प्रेशर है जो उन्होंने कबूल कर लिया है, और लोग तो खैर मतलब दूसरी बातें करते हैं जिसमें हम यकीन नहीं करते कि शायद उनको कप्तानी से हटा दिया गया, तो शायद वो इस तरह से कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हम जानबूझ के कर रहे हैं, हमें किसी की नेक नियति पे शुबा नहीं करना चाहिए, वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो ये हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, अगर हम मतलब इस चीज़ को अडॉप्ट कर लें कि ऑन एंड ऑफ मतलब ये कि प्लेयर्स को आप रेस्ट देते कुछ अरसे के लिए उनको बिठाया जाए, बिल्कुल बुरी नहीं लगेगी, लेकिन जब आप किसी मतलब अब जैसे आपने शाहीन शाह आफरीदी को बैठा दिया तो मतलब ये बातें सामने आ गई कि जी शायद शाहीन शाह आफरीदी या शान मसूद में मतलब कोई अनबन है या हो गया, या कोई ऐसी बड़ी बात हुई है, तो ये चीज़ें और मतलब जड़ पकड़ती हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि कंट्रोवर्सी से बचने के लिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है अब उसे कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहिए और कड़वी गोली आपको निकलनी चाहिए, अगर आप ये समझते हैं कि आपके लड़के जो अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ था उसमें मतलब किसी चीज़ों में इन्वॉल्व थे और जो डिसिप्लिन से रिलेटेड थी जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हुई, तो फिर आप कैटागोरिकली मतलब एक डिसीजन लें और नए प्लेयर्स को आप चांस दें, उनको बिल्कुल बाहर ना करें बल्कि उनको ज़ाहिर है साथ रखें आप जिस तरह से होता है, लेकिन कम से कम ये पता चलना चाहिए कि जी किसकी क्या गलती थी और फिर उसकी सज़ा ये है, तो जब तक जजा और सज़ा का मतलब कानून नहीं होगा उस वक्त तक मैं ये समझता हूँ कि एक तो जजा और सज़ा और मेरिट को जब तक आप अवलियत नहीं लेंगे और जब तक आप जो है कौमी मफाद को ज़ाती मफाद पर तरजीह नहीं देंगे उस वक्त तक ये नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे खिलाड़ियों में भी हमारे नौजवानों में हमारी टीमों में बड़ा पोटेंशियल है और जिस तरह से माजी में हमने बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं एक मरतबा फिर हमारे खिलाड़ी और टीमें जो हैं पाकिस्तान का सब जलाली परचम बुलंद कर सकती हैं, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगी। थैंक यू सो मच रियाज साहब, बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह आपके साथ, और जनाब बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज इख्तिताम पज़ीर हो चुकी है और ज़ाहिर शिकस्त का सामना रहा, बहुत उदास हैं दिल, और लेकिन प्रोग्राम के आखिर में हमारे जो शाहीन हैं क्रिकेट के मैदानों में उड़ने वाले शाहीनों से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी
कि जो कौम भुला देती है तारीख को अपनी, जो कौम भुला देती है तारीख को अपनी, उस कौम का जुग्राफिया बाकी नहीं रहता। अपने तारीख को पढ़िए, अपने जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके उन्होंने किस तरह से क्रिकेट के मैदानों में फतह के झंडे गाड़े, उसको स्टडी कीजिए और ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। जी जनाब, अब तक के लिए बस इतना ही। सो कीप वॉचिंग 99 न्यूज़ चैनल। प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बीना खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।